धर्मनगरी अयोध्या अपने पौराणिक और सांस्कृतिक धरोहरों को सजोए हुए है। उन्हीं में से एक है मणि पर्वत। झूलोत्सव का आगाज 31 अगस्त होगा। मणि पर्वत की एक अपनी कहानी है। कहा जाता है कि प्रभु रामचंद्र जी सीता जी को ब्याह कर जब अयोध्या लाए थे तो उपहार स्वरूप राजा जनक ने इनको मणियों बहुत बड़ी संख्या में मणियों को दिया था। उन्हीं इतनी संख्या में मणियाँ थी कि पूरब तरफ एक पर्वत बन गया जहाँ पर ये मणियाँ रखी गई। और एक कहानी ये भी है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो संजीवनी लाने के लिए हनुमान जी जब गए तो आकाश मार्ग से जब जा रहे थे तो कुछ पर्वत का कुछ टुकड़ा यहाँ पर गिर गया, और जो टुकड़ा यहाँ पर गिर गया उसी से मणि पर्वत बना। क्या है इसकी वास्तविक कहानी आपको बताएंगे अयोध्या के कथावाचक विद्वान पंडित कौशल्यानंदन वर्धन जी। इसका नाम मणि पर्वत है। ये जानकी जी के प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए श्री राम जी ने निर्माण किया था। जानकी प्रीति जनना पर्वतो मणि संज्ञका, विद्या कुंडात पश्चिमे चा पर्वतो राजते प्रिये। विद्याकुंड के पश्चिम में स्थान स्थित है और ये अग्निकुंड से लेकर के सीता कुंड से लेकर के रुक्मणी कुंड तक ये उपवन कहलाता है। इसी मणि पर्वत पर 6 महीना जानकी जी श्री राम जी के साथ विराजती हैं। आषाढ़, सावन, भादों, कुआर, कार्तिक, ये सब यहाँ विराजती हैं और भगवान यहीं पर विहार करते हैं। जब जनकपुर राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ गए और वहाँ धनुष यज्ञ संपन्न किया, विवाह करके लौट करके आए, तो इसी बीच में कैकेयी माता ने एक सोने का महल देखा स्वप्न में, तो उनकी इच्छा हुई कि ऐसे ही महल मैं बनवाऊं। तो वो महल दशरथ जी से कह करके विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण कराया और मन में यही सोचा कि जब मेरे राम लौट के आएंगे तो उनको ये महल दूंगी। लेकिन जानकी जी को लेकर के जब लौट करके आए राम जी, तो जानकी जी को देख करके कैकेयी माता ने कहा ये तो हमारे बहू के लायक है, तो श्री सीता जी को वो प्रदान कर दिया। अब ये हुआ कि भाई अब ये राम जी को कुछ नहीं दिया, तो एक बार ऐसे ही इंद्र के यहाँ जब दशरथ जी गए थे तो वहाँ से जो मणि थी, चूड़ा मणि जिसको कहा जाता है, उसी चूड़ा मणि को हनुमान जी ले आकर के दिए थे पहचान के रूप में लंका से, उसी चूड़ामणि को दे दिया जानकी जी को कि मेरी बहू ही पहनेगी। लेकिन जानकी जी ने उठा के उसको एक ताखा पे रख दिया, तो कैकेयी माता ने कहा इस मणि क्या हुई, बहू तुम्हारे पास नहीं? बोले श्री राम जी के बिना मुझे मणि अच्छी नहीं लगती, एक और मणि ऐसे माता आप ला के दो, प्रभु के पास भी रहे तब मैं पहनूंगी। तो कैकेयी माता ने दशरथ जी से कहा ये मणि चाहे जहाँ से खोज के लाइए आप। इंद्र से पुनः जा करके कहा तो इंद्र ने कहा वो इस प्रकार की मणि तो एक ही थी इंद्राणी के पास, मैंने आपको दे दिया, अब तो ये मिलना नहीं है। तो दशरथ जी ने बहुत खोज कराया, कहीं नहीं मिला। तो इतने में जनक जी जनकपुर से आए जब श्री अवध में, तो पहले की ये मान्यता है, आज भी मान्यता ये रखी जाती है कि बेटी के यहाँ पिता ठहरता नहीं है, कुछ खाता नहीं है, कुछ लेता नहीं है, वहाँ निवास रात्रि नहीं करता है मर्यादा के नाते से कि हमने कन्यादान कर दिया है तो क्या लें। तो जनक जी ने यही कहा दशरथ जी से कि अब मैं चलता हूँ, उनको विदा करिए, समाचार लेने आया था। तो सबकी इच्छा हुई नहीं जनक जी यहाँ रुक जाएँ। तो जनक जी ने कहा तो फिर ठीक है भाई, हमको थोड़ी भूमि आप दे दीजिए, उसका दाम ले लीजिए आप। तो जनकौरा में
जनौरा जिसको कहा जाता, वहाँ पर जनक जी ने भूमि लिया, लेकिन उसके बदले में सुमंत्र जी ने निर्देश किया कि कैकेयी अम्मा कह रही थी कि मणि चाहिए, तो इनके पास कमी नहीं है, क्योंकि जानकी जी जहाँ से आई हैं ये स्वयं ही लक्ष्मी की दोतक, इनके पास जरूर ये मणि मिल जाएगी। तो इनसे वही मणि मांगी है आप। तो जनक जी से इन्होंने कहा इसी तरह की मणि ले आकर के आप दूसरी मणि हमको दे दीजिए। अब जनक जी बड़ी चिंता में पड़ गए, ऐसी मणि पता नहीं मेरे कारागार में है कि नहीं है। जानकी जी को जब ये बात मालूम हुई तो अधिष्ठात्री देवी हैं, श्री हैं, लक्ष्मी हैं, ये स्वयं ही स्वरूपा हैं, जितने चाहें उतनी मणियों को, असंख्य मणियों को प्रकट कर सकती हैं। इन्होंने पिताजी से कहा पिताजी घबराइए नहीं, आप खजाने में देखिए बहुत असंख्य मणियाँ हैं, आपको तो पता नहीं राजकाज करने के चक्कर में, आप वहाँ पता लगवाइए मिल जाएगी, चिंता न करिए। जानकी जी ने सोचा मेरे पिता की भी प्रतिष्ठा बनी रहे। तो वहाँ कुशध्वज के द्वारा फिर जाके देखा तो असंख्य मणियाँ कोषागार में भरी हुई थी इसी तरह की। उन्हीं मणियों को गाड़ियों से लाद लाद करके ले आ करके श्री अवध में जब दिया दशरथ जी को, दशरथ जी ने कहा ये दक्षिण तट पर अयोध्या के यहीं पर ये मणि रख दीजिए आप। तो उस स्थान पर मणि रख दिया और जनकौरा भूमि जनक जी को दे दिया। फिर जानकी जी जब सावन आया तो बोली श्रावण में हम अपने यहाँ झूला झूलती थी, अब लाओ मेरी इच्छा होती है कि मैं चली जाऊँ अपने मायके। तो अयोध्यावासियों ने कहा एक पल भी श्री राम से अलग हम लोग नहीं देखना चाहते हैं, झूलन यहीं पड़े। तो भगवान ने गरुण को आदेश दिया, तो जो कमी थी उस मणि में, साकेत परम धाम में जो मणि पर्वत है वही मणि पर्वत स्वयं गरुण ने ला करके यहाँ स्थापित कर दिया। एक कथा और इसकी आती है कि कुश भी गए थे नागलोक में, तो वहाँ असंख्य मणियों को नाग कन्याओं ने दिया था, वासुकी नाग ने भी दिया था, उन्हीं मणियों को ले आकर के भी यहाँ रख दिया गया था। तीन कथा विशेष रूप से मिलती है। एक कथा ये भी महाराज शायद हनुमान जी लेकर जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये किंवदंती है, ये कथा यहाँ की नहीं है। वो पहाड़गंज में वहाँ गिरे हैं, पहाड़ लेकर के नाका पर, नाका वाले जो हनुमान जी हैं वो हैं इसके, क्योंकि भरत कुंड पे भरत जी ने मारा था ना, यहाँ तो बाण मारा नहीं था। ये गलत बीच में ये एक डीएम आई थी किंजल सिंह जी, उन्होंने बिना प्रमाण लिए शास्त्रों का लिख दिया था, तो अब हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी तो प्रशासन ने हटा दिया उसको। मुख्य प्रमाण ये है इसका और कोई प्रमाण नहीं है। अच्छा, यहीं नित्य चार महीना ये जानकी जी श्री सीताराम जी के साथ विहार करती हैं। यहीं पर एक कथा और है सत्योपाख्यान रामायण में कि जानकी जी अपने हाथों से माला बनाई राम जी के लिए इसी मणि पर्वत पर फूलों की, और ले जा करके राम जी को जब पहनाने लगी तो उन्होंने देखा कि राम जी के हृदय में किसी स्त्री का बिंब दिखाई पड़ रहा है, प्रतिबिंब है, छाया है, तो तुरंत मूर्छित हो गई। तो राम जी ने जब होश आया तो मूर्छा छूटी, तो राम जी ने कहा कि ये बताइए आप मूर्छित क्यों हो गई हमको देख करके। बोले बताइए हम प्रेम आप मुझसे करते हैं, हृदय में कोई और स्त्री का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। तो राम जी मुस्कुराए, बोले जानकी पहले ध्यान से देखो। तो ध्यान से देखा तो दिखाई पड़ा कि जानकी जी का ही प्रतिबिंब राम जी के हृदय में था। तो जानकी जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, उन्होंने कहा आज मैं अपने को साबित करती हूँ कि जब मैंने आप पर जो संदेह किया, इस नाते से 14 वर्ष मुझे अलग रहना पड़ेगा, लंका जाना पड़ेगा। इस प्रकार से स्वयं को जानकी जी ने स्थापित किया था। तो ये कथा यहाँ की विशेष है। इस हाँ एक और बड़ी उत्तम बात है कि जिस दिन यहाँ पर मणियों का स्तूप खड़ा हो गया, पर्वत जैसा बन गया, बढ़िया सुंदर सुंदर वृक्ष लछा लता औषधि पत्र सब बन गए, चारों तरफ बढ़िया आनंद आने लगा, तो उसी दिन श्रावण शुक्ल तीज जिसको तृतीया कहते हैं वो अवसर आया। पूरे अवधवासियों ने श्री सीताराम जी को दक्षिणाभिमुख हो करके झूलन पर पधराया, और जो इस दिन दक्षिण मुख श्री सीताराम जी का झूलन का दर्शन करते हैं उनके तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं, तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि वैदिक। और ये दोलो इसको कहा जाता है झूलनोत्सव, उसमें स्कंद पुराण में
बहुत दिनों से अपनी परंपरा रही है। तीन बार भगवान को जो झूला झूला लेता है, दोलो दाहरण महोत्सव कहा जाता है इसको, तीन बार जो झूला लेता है वो भगवान के चरणों में अयोध्या की भक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त करता है और सारी माया से निवृत्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसी इसकी मान्यता है।